आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपको धन की बरसात चाहिए पूरे साल तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया इस बार 18 अप्रैल 2018 को है, दिन है बुधवार। देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार बताए गए उपाय का प्रयोग करने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है। कर्म पुरुषार्थ के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो भक्त धन से मालामाल हो जाता है। अगर भक्त इन उपायों को अक्षय तृतीया पर या शुक्रवार के दिन करे तो जल्दी फल प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अक्षुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं जिससे अक्षय पुण्य मिलता है। हम आपको विधि बता रहे हैं। विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद और पीले फूलों से करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। पीले और सफेद फूल से करना है। दूसरा, शाम को गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में जलाए। ईशान कोण पता है कौन सा होता है? उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वहां पे ईशान कोण में जलना चाहिए घी का दीपक। दीपक में रुई की जगह पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें और दीपक में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 5 लक्ष्मी मतलब पीली कौड़ी जो होता है ना, पीली कौड़ी लीजिए, थोड़ा सा केसर, 4 चांदी के सिक्के डालें और इसे बांधकर धन के स्थान पर रखिए। देखिए किस तरह से धन बढ़ेगा आपका। 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलाइए, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। अगला उपाय, अगर कोई भक्त गरीब को दान करता है तो उसे धन के रूप में आशीर्वाद मिलते हैं। गरीबों में सफेद रंग की वस्तु या खाद्य पदार्थ दान करें बहुत शुभ रहेगा। और दूसरा उपाय बता दे, बड़ा ही आसान उपाय है। भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक कीजिए, कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहेगी। अगर यह अभिषेक मन से किया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और फिर आपको धन से मालामाल कर देगी, गारंटेड है। आप इसमें से उपाय कीजिए, आपको मजबूर होकर मेरा वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा और दोबारा आप मुझे कमेंट करो कि भाई आनंद तुमने भाई बिल्कुल बात सही कही है, नहीं तो फिर आपका जूता मेरा सर। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।